हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के वीडियोस में जो है हम एक्सरसाइज 6A या लेसन जो 6 है उसमें हम इसको कवर करते हैं। अब यहाँ देखिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इसमें जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं दोनों को जब एक साथ मिक्स फॉर्म लिखते हैं तो वही क्या कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यहाँ पर एडिशन उनका और उनका सब्ट्रैक्शन दो चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद जो मल्टीप्लाइकेशन और डिवीजन जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पढ़ोगे। अब जैसे यहाँ पे गिवन है, सपोज करिए ये नंबर गिवन है यहाँ पे है 3a माइनस 4b। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 3a, एक मिनट इसको वीडियो को थोड़ा सा, ये सीधा रहेगा। अब ऐसे यहाँ पे क्या है 3a माइनस 4b प्लस 4c कॉमा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b, 3b माइनस 8c कॉमा और a माइनस 6b, a माइनस 6b प्लस c, ये है तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, जहाँ पे कॉमा लगा था वहीं पे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, वहीं पे क्या कर रहे हैं हमने प्लस लगा दिया। अब इसमें जो सेम टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स है, कौन कौन ए वाले, जैसे ए यहाँ पे, यहाँ और फिर ए यहाँ है, ये तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। देखिए 3a प्लस 2a और प्लस a, ठीक है, ऐसे b वाले को माइनस 4b, फिर प्लस 3b और माइनस 6b, इसी तरह सी वाले को 4c माइनस 8c प्लस सी। अब देखिए थ्री लाइक टर्म्स नहीं है दोनों, 3 और 2 और यहाँ का 1, 3 2 5 और 1 1 कितना हो जाएगा 6 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीनों पॉजिटिव थे तो हमने तीनों को ऐड किया, यहाँ तीनों पॉजिटिव नहीं है, एक प्लस है और दो माइनस है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो माइनस माइनस वाले हैं माइनस 4 और माइनस 6b कितने हो गए माइनस 10। ठीक है, क्या हो गए माइनस 10, ये माइनस 10b और प्लस 3b आपने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही है, 4c प्लस जो दोनों पॉजिटिव है, 4c और 1c कितना हो जाएगा 5c और माइनस 8c, यहाँ पे 6 से आप लिख दीजिए।